हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल सैफ ट्रेड्स। और अब हम यहाँ देखने वाले हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज कैसा ट्रेड हुआ और कल हम लोग इसमें कैसा ट्रेड कर सकते हैं। तो आज एक्सपायरी का डे था और आप लोग एनालिसिस पूरा अच्छा से देखिएगा, तभी आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आएगा। उल्टा बोल दिए, फिर से स्टार्ट कर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल सैफ ट्रेड्स। और अभी मैं देखने वाले हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज कैसा ट्रेड हुआ और कल हम लोग इसमें कैसा ट्रेड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों का एनालिसिस अच्छा से समझ में आएगा। तो आज एक्सपायरी का डे था और मार्केट आज स्लोली स्लोली बहुत ही अच्छा से नीचे आया और लास्ट में हमें यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली। तो जितने भी मैंने कल के वीडियो में लेवल्स प्रोवाइड किया था, वो सारे लेवल्स मार्केट ने रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ पे टारगेट्स को प्रोवाइड किया है। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मार्केट इस रेंज के अंदर खुला था और मैंने अपने कल के वीडियो में बताया था, जो मैंने अपलोड किया था, कि ये हमारे पास दो लेवल्स हैं और इस लेवल के ऊपर हमें बाइंग करना है और फर्स्ट टारगेट हमारा बाइंग के लिए यहाँ पर रहेगा एंड सेल करना हमें इस लेवल के बाद। तो सेलिंग का जो हमारा टारगेट था वो हमारा अचीव हो चुका है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट था तो ये हमें मिल चुका है एंड सेकंड टारगेट हमारा ये था। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये लेवल का मार्केट ने आज ब्रेकडाउन दिया एंड ब्रेकडाउन देने के बाद इस लेवल से, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट क्रिएटेड है, तो यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेकर के एक अच्छी रिटेस्ट हमें दिखाई है। तो यहाँ पे एक प्राइस एक्शन पैटर्न भी बन रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कल भी यहाँ पे सेल का प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो बहुत ही अच्छा हमें सेलिंग साइड का ट्रेड मिल सकता है। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे रहेगा इस लेवल के ऊपर, या फिर अगर कोई डबल टॉप बनता है तो हम लोग उस पर ट्रेड ले सकते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे इस लेवल के एरिया के ऊपर स्टॉप लॉस रखना है एंड नीचे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं अगर फ्लैट ओपन होता है तो। और टारगेट जो हमारा रहेगा, फर्स्ट टारगेट आज का लो रहेगा एंड सेकेंड टारगेट जो हमारा रहेगा वो ये जो लेवल लगा हुआ है 17,831 का लो रहेगा। तो हम लोग आइए देख लेते हैं कि आज मार्केट में कैसा ट्रेड हुआ है और कौन कौन सा सेटअप इसमें फॉलो हुआ है। उसके लिए हम लोग आ जाएंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जो यहाँ पे मार्केट ने लेवल ब्रेक किया है वो बहुत ही अच्छे से लेवल यहाँ पे ब्रेक हुआ और रिटेस्ट भी करके हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो कल का लो था वो यहाँ पे बन रहा है, ये हमारा कल का लो था। और कल का लो जैसे ही मार्केट ने आज ब्रेक किया है, देखिए इस कैंडल ने मार्केट ने, थोड़ा जूम कर देते हैं, इस कैंडल ने मार्केट का कल का लो ब्रेक हुआ है एंड ब्रेक होने के बाद हमें यहाँ पे रिटेस्ट देखने को मिली है और फिर से हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला। तो ये सिंपल सा ब्रेकडाउन एंड रिटेस्ट स्ट्रैटेजी पे बैठता है। तो हम लोग यहाँ पे जैसे कि रिटेस्ट हुआ है, ऊपर गया और यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है, तो हम लोग यहाँ पे एक डायरेक्ट एंट्री बनाएंगे और हमारा स्टॉप लॉस जो स्विंग हाई था, ये स्विंग हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। टारगेट जो था हमारा ये लेवल, ये हमारा टारगेट इजी अचीव हुआ, रिस्क रिवॉर्ड 2 से ज़्यादा हमें यहाँ पे मिल चुका है। प्रॉफिट पॉइंट था 80.60 के आसपास का एंड स्टॉप लॉस हमारा 30 पॉइंट्स का था। तो ये आज सेटअप था और फिर यहाँ से मार्केट में बाइंग आई। यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट ने लास्ट में कॉन्सोलिडेट किया एंड कॉन्सोलिडेशन के बाद मार्केट ने यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट देके रिटेस्ट किया एंड फिर से मार्केट ने इस लेवल का जो ब्रेकआउट हुआ था वहाँ पे मार्केट ऊपर गया। तो ये एक आप इसको रिट्रेसमेंट बोल सकते हैं ब्रेकडाउन के बाद। तो हम लोगों को कल कैसे सेल करना मैंने आपको बता दिया है। इस लेवल का अगर फ्लैट ओपन होता है तो हम लोग इजी इस लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस रख करके ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट्स हमारे आज के लो रहेंगे फर्स्ट टारगेट एंड सेकेंड अगर 17,831 का हमारा सेकेंड टारगेट रहेगा। हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसे अच्छे से एक बार फिर से देख लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं, क्योंकि सारे लेवल्स जो लगे हुए थे कल जो मैंने वीडियो बताया था वही लेवल्स आज भी फॉलो होंगे। मार्केट बस यहाँ से यहाँ आ गया, अच्छा सेलिंग देखने मिला, रिटेस्ट मिला। और अगर बात करते हैं हम लोग बाइंग की, कि हम लोगों को बाइंग ट्रेड कब करना है, तो बाइंग ट्रेड हम लोगों को इस लेवल के ऊपर जाके करना। अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर निकलता है तो ही हम लोग एक बाइंग ट्रेड देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन बना हुआ है, ये हमारा एक स्विंग है और यहाँ पे नीचे आया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लोअर हाई। तो इस लोअर हाई के ऊपर प्राइस निकलता है देन तभी हम लोग यहाँ पे बाइंग ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट हमारा ये जो हाई है या फिर गैप जो है, आप थोड़ा सा देख रहे हैं, आप थोड़ा जूम कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस में गैप है, तो यहाँ तक का आप टारगेट प्लान कर सकते हैं बाइंग साइड में, अगर बाइंग के लिए जाता है तो। ऐसे मोस्टली मेरे को लग रहा है कि फ्लैट ओपन हो सकता है प्राइस, या फिर गैप डाउन ओपन हो सकता है। अगर गैप डाउन ओपन होता है, कहीं इस लेवल पे ओपन होता है, तो आप इस लेवल का आज का जो लो है यहाँ पे एक एरिया ड्रॉ कर देते हैं या फिर एक लाइन यहाँ पे दे देते हैं। और देखिए इस लो के नीचे निकलता है प्राइस, तो हम लोग सेम ब्रेकडाउन एंड रिटेस्ट स्ट्रैटेजी भी हम लोग इसमें सेल कर सकते हैं। टारगेट हमारा ये लो रहेगा। तो ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। आइए देख लेते हैं बैंक निफ्टी में आज कैसा ट्रेड हुआ और कल हम लोग इसमें कैसा ट्रेड कर सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है और जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मैंने जो भी लेवल्स प्रोवाइड किया अपने कल के वीडियो में, मार्केट ने वो सारे लेवल्स को अच्छे से रिस्पेक्ट करते हुए टारगेट दिया। और ये सब हमारे टारगेट्स हैं, ये सब मैंने कल दिया था। थोड़ा सा मैं आपको कल का थोड़ा सा बता दिखा देता हूँ कि कल मैंने जो लेवल्स दिए थे वो कैसे काम किए हैं, तो थोड़ा देख लीजिए आप। ये
फर्स्ट टारगेट रहेगा और रहेगा ये आज का ही हाई रहेगा फर्स्ट टारगेट। और सेलिंग के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा, इस लेवल के बाद सेल करना है, उसने हमारा फर्स्ट टारगेट आएगा 42,826.85 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। एंड सेकंड टारगेट जो हम लोग सेलिंग साइड का रहेगा वो हमारा जितने भी स्विंग लोज आप देख रहे हैं इसको आप टारगेट की तरह ले सकते हैं 42,707 का, ये भी एक राउंड नंबर है। और ये जितने भी स्विंग्स आप सारे स्विंग्स को आप स्विंग लोज को एज अ टारगेट आप सेलिंग साइड को मार्क कर सकते हैं। और हमारा जो मेन टारगेट लास्ट टारगेट रहेगा वो ये स्विंग लो रहेगा जो कि है 42,483 के। तो सेलिंग हमें करना इस तो जैसा कि आप लोगों ने देख लिया कि मैंने जो भी कल के वीडियो में बताया था मार्केट एग्जैक्ट वैसे ही हमें आज परफॉर्म किया है। और सारे लेवल्स के टारगेट जो थे हमारे तीन या चार टारगेट थे, 1, 2, 3, 4 टारगेट हमारे थे, चारों टारगेट हमारे बहुत ही अच्छे से हिट हुए हैं। तो देखिए अब हम लोग इसमें क्या क्या आज ट्रेड हुआ है वो देख लेते हैं बैंक निफ्टी में। देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम से पाइएगा, तो मैंने बताया था कि मार्केट को हम लोग को सेल करना है इस लेवल के नीचे एंड बाइंग करना है इस लेवल के ऊपर। तो मार्केट देख सकते हैं आप, इस दोनों लेवल के बीच में ओपनिंग हुई है यहाँ पे, और ओपनिंग होने के बाद हमें यहाँ पे गैप डाउन देखने को मिला है। मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया और यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है। और यह देखिए ब्रेक डाउन होने के बाद मार्केट ने इस लेवल को रिटेस्ट किया और वापस यहाँ पे डाउनफॉल किया। तो हम लोगों का यहाँ पे सेम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आप बोल सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने नीचे साइड ब्रेक किया तो हम लोग इसको ब्रेकडाउन बोलेंगे, ऊपर जाएगा तो ब्रेकआउट बोलेंगे। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन हमें मिला और हम लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते थे डायरेक्ट, मतलब प्राइस जैसे ही निकलता है इस लो के नीचे तो हम लोग एंट्री ले सकते थे। और हमारा स्टॉप लॉस ये जो स्विंग लगा है लोअर हाई, यहाँ पर हम लोग का स्टॉप लॉस रहता और टारगेट हमारा 1:2 रख सकते थे। ईजी हमें 1:2 के आसपास टारगेट मिल चुका है, ऑलमोस्ट 1:2 टारगेट है यहाँ पे 1.96 से, बट ईजी मिला। स्टॉप लॉस हमारे यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस था, 198 पॉइंट स्टॉप लॉस था। और टारगेट जो हमें मिला है ऑलमोस्ट 388 या भी आप इसको 400 बोल सकते हैं। तो हमारे पास 400 पॉइंट के आसपास का यहाँ पर टारगेट मिला है और स्टॉप लॉस हमारा 200 के आसपास था। तो आइए देख लेते हैं कि हम लोगों के पास कल क्या क्या लेवल्स रहेंगे और कल हम लोग कैसे इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सारे लेवल्स को हम लोग भी हटा लेते हैं क्योंकि ये अभी जो था वो मार्केट ने कंप्लीट कर दिया है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग आ जाते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए हमारे पास जो लेवल आप हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे पहले समझते हैं मार्केट क्या किया है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने यहाँ पे गैप डाउन दे दिया है और यहाँ पे रिटेस्ट हमें मिला और फिर से यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली है और यहाँ पे मार्केट ने रिटेस्ट दे करके क्लोजिंग की है। तो हमारे पास जो स्विंग बन करके आ रहा है ना मार्केट में, वो कुछ इस तरह का स्विंग बन करके आ रहा था। हमारे पास जो मेन स्विंग है, हम लोग बाइंग करेंगे इस स्विंग के ऊपर का प्राइस निकलता है तो ही हम लोग बाइंग साइड का प्लान करेंगे। और सेलिंग करना है हम लोगों को इस लेवल के नीचे, मतलब कि आज का जो लो है वहां के नीचे हम लोग सेल कर सकते हैं। इफ अगर क्या होगा कि अगर मान लीजिए प्राइस ओपन होता है कहीं इस दोनों लेवल के बीच में, तो हम लोग कैसे उसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे और वहां पे हम लोग लेवल्स को ड्रॉ कर लेंगे। देखिए तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग आकर के अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर रहता है तो हम लोग बाइंग साइड का प्लान कर सकते हैं। और हमारा टारगेट जो रहेगा वो फर्स्ट टारगेट रहेगा यहाँ पे 42,990 का। एंड अगर हमें सेल साइड का प्लान करना है तो यहाँ पे कुछ सेटअप बनने देना होगा, मतलब मार्केट यहाँ पे कुछ डबल टॉप टाइप का पैटर्न बनेगा, जैसे कि मार्केट ऊपर गया है फिर नीचे आया है फिर ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट हो जाएगा। तो फिर वेट कीजिएगा, उसका मार्केट अगर ब्रेकडाउन देता है देन रिटेस्ट पे हम लोग स्टॉप लॉस यहाँ पे रख करके डबल टॉप के ऊपर सेल कर सकते हैं। और टारगेट हमारा फर्स्ट रहेगा आज का लो जो यहाँ पे है। हम लोग 50 मिनट आकर देख लेते हैं कि और बस टारगेट कहाँ पे आ रहा है। तो 50 मिनट टाइम फ्रेम पे टारगेट जो है हमारा और आ रहा है इसके बाद, वो आ रहा है इस लेवल पे 42,261 का। एंड सेकंड टारगेट जो हमारा आ रहा है वो है इस लेवल का 42,092 का। तो आपको मैंने समझा दिया कैसे यहाँ पे सेल करना है, लेवल्स आपने देख लिया है। अगर आपको फिर से देखना हो तो थोड़ा सा वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो एनालिसिस ये हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी का, आपको मैंने बता दिया है। एंड आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।